भी बताऊंगा, एंड्रॉइड फोन के साथ साथ आप पीसी और लैपटॉप भी यूज करते होंगे। जिस लैपटॉप पे वाईफाई का कनेक्शन है या ब्लूटूथ का कनेक्टेड है, उसके थ्रू आप इंस्टेंटली फाइल शेयर कर सकते हो, आप बड़े आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो कभी भी किसी भी टाइम। आपको हर बार आपको यूएसबी पोर्ट लगाना जरूरी नहीं है, और वाईफाई के थ्रू होगा तो काफी बढ़िया और फास्टली जाता है। ये काफी अच्छी बात है, इसके अंदर कोई इतना खास प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है प्योर इंडियन का है। आप सिंपल वीडियो को लाइक करना है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल बटन प्रेस कर देना, मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर के सर्च बार में जाना है, टैप करना है शेयर करो नाम से एक एप्लीकेशन, ठीक है। ये शेयर इट टाइप का है, बट ये शेयर करो जो कि आप शेयर करके आपके फाइल को बड़े आसानी से अपने मोबाइल से इंस्टेंट अपने पीसी के अंदर शेयर कर सकते हो। सिंपल इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे आपने फोन के अंदर कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको इसको दे देना है। ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा बहुत परमिशन, किसी भी एप्लीकेशन आप एक्सेस करो परमिशन तो लेता है, ताकि फाइल को मॉडिफाई करने के लिए ये एक्सेस हो। यहाँ पर डिवाइस का नेम आ जाता है, आप अपना नाम भी चूज कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करो, और ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा एडवर्टाइज भी हमें देखने को नहीं मिलता, जैसे शेयर इट टाइप का एक एप्लीकेशन था, डाउनलोड हो गया, फाइल हो गया, मी यानी कि आपका डिटेल्स जो है आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, जो भी फाइल आपको यहाँ पे ले सकते हो सारे डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाता। ये इंटरफेस आपको सेव कर रखना है। फिर अब चलना है अपने पीसी के, पीसी की तरफ आने के बाद आप ब्राउजर में जाना है, यहाँ पर ब्राउजर है, तो इस पे जाने के बाद सिंपल ये डिटेल्स आ जाता है, टाइप करना है यहाँ पे, ओके यहाँ पे टाइप करना है शेयर करो फॉर पीसी, ठीक है, ऑटोमेटिक टाइप हो गया, आप यहाँ से देख सकते हो। एंटर करना है, एंटर करने के बाद एक साइट ओपन होगा, ये वाला साइट जो है शेयर करो इन पीसी, इसको क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज करें, सिंपल जैसे ये आपको देख सकते हो जो अपने QR कोड शो हो रहा है, तो इसके थ्रू आप स्कैन कर सकते हो, ओके। अगर आप चाहते हो कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करना पड़े, सिंपली इसी QR कोड के थ्रू आप अपने फाइल भी शेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने मोबाइल को उठाना है, यहाँ पर मोबाइल आपके हाथ में है, सॉरी स्लिप करता है, ओके। यहाँ पर इस सिचुएशन में सिंपल आपको ऑप्शन आता है शेयर टू पीसी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर टैप करिए। जैसे आप टैप करोगे तो ये को अलाउ करना पड़ेगा, जैसे अलाउ करोगे QR कोड स्कैन के लिए ऑप्शन आएगा, ऑटोमेटिक देखो स्कैन हो ही गया। इसके सामने आप देख सकते हो ये स्क्रीन का जो है, और राइट साइड में देख सकते हो पीसी के अंदर आपको यहाँ पे दिख गया, ठीक है। फाइल को इसके अंदर सिंपल आपको सेंड फाइल कर सकते हो, सेंड पे जाना है, और जो जो फाइल बना पड़ा है इसके अंदर आप चेक कर सकते हो। सॉरी मैं एक फोटो ले आता हूँ, फोटो में थोड़ा सा आसान रहता है। जैसे दोनों फोटो को ले गया, और तीसरा फोटो भी ये है, इसको नेक्स्ट कर दिया। जैसे नेक्स्ट किया आप ये राइट साइड में देखते हो फटाफट कैसे शेयर हो रहा है, मतलब वाईफाई में काफी फास्टली रन करता है। आप इसको वायर कनेक्ट करो, ये करो, एक ही दफा आपको कनेक्ट करना है, फिर ऑटोमेटिक आपके पास ये सेव हो जाना है। कोई फोल्डर आप अलग से बना लो इसको स्टोरेज करने के लिए, यहाँ पर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा जो भी डिटेल्स यहाँ पर सेव होता है। ये सारे डिटेल्स जो है अपने यहाँ पे सेव हो गया, ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते, हम यहाँ से रिवर्स कैसे मांगेंगे, इसके अंदर कुछ फाइल लाना है, तो यहाँ पर सेंड फाइल करेंगे, तो सिंपल सेंड के ऊपर जाएंगे, और इसके अंदर जो फाइल पड़े हैं हम उसको भी ले सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे दो फोटो पड़े हैं, इसको सिंगल सिंगल फाइल होता है, तो ओके करिए। ये ओके करते ही यहाँ पर इनिशियल पीरियड में देखो फटाक से आ गया है ना, ये काफी बढ़िया। ऐसी आप इंस्टेंटली इस साइड को आप यहाँ पे जो कि स्टार मार्क करके सेव कर, किसी भी जगह आप हो आपका डाटा केबल नहीं है, आप बड़े आसान से इस टाइप का अपने फोन के अंदर पड़े रहना देना पीसी यानी कि शेयर करो आपको ये जो एप्लीकेशन, ये जो शेयर करो आप है, ओके, ये जो शेयर करो आपको अपने फोन के अंदर पड़े रहने देना, कभी भी किसी भी जगह जा रहे हो वहां से इंस्टेंटली ऐसे फाइल शेयर कर सकते हो। बस ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए था, आप इसको ज्यादा गहराई तक ना ले। ये था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।